नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं DNRS कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग लगाने का प्रोसेस क्या होता है। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस प्रोसेस को। सबसे पहले अपने किसी भी सर्च इंजन या ब्राउजर को ओपन करें, उसमें टाइप करेंगे dnrshopping.com, देन विजिट करेंगे। अभी हम कंपनी के होम पेज पर आ चुके हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, वेलकम टू DNRShopping प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों एक बात हमेशा चेक कर लीजिए कि क्या वेबसाइट ये ओरिजिनल वेबसाइट है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। दोस्तों ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जानने वाले ज्वाइनिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ ज्वाइनिंग के। एक तरीका है लॉग इन करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं अपनी ID पासवर्ड से। दूसरा तरीका है विदाउट लॉग इन भी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। ये तो मैं डेस्कटॉप में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यदि आप एक मोबाइल फ़ोन से इस वेबसाइट को ओपन किए हैं तो ये किस तरह से इसका लेआउट दिखने वाला है, तो मैं आपको मोबाइल के अनुकूल रिस्पॉन्सिव बना के दिखाता हूँ। मोबाइल में आपको कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है वेबसाइट। तो देन आपको इस मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन का एक बटन है, इस पे क्लिक करना है तो आप लॉगिन पेज पे जाएंगे। चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब ये बोल रहा है साइन इन टू योर अकाउंट, प्लीज़ एंटर योर नेम एंड पासवर्ड टू लॉगिन। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम डालेंगे, जो भी आपका यूज़र नेम ID है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करें, ये साइन इन करेगा। अभी हम माय डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। यहाँ आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, आपके एनालिटिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है साइन अप करके, इस साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक साइन अप पेज पर लेके जाएगा। ये ओपन कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ आपने देखा पहला सेक्शन है स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर ID और स्पॉन्सर नेम पहले से एंटर किए हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने लॉग इन किया हुआ है अपने ID पासवर्ड से। अगर आप लॉग इन नहीं होते तो यहाँ आपको अपनी ID डालनी पड़ती, देन ये वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर नेम सर्च करके शो करता। अभी दूसरा ऑप्शन है पैकेज एंड पेमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट पैकेज के लिए बोलेगा। अगर आप 4000 रुपीज़ से ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 4000 सेलेक्ट करेंगे, यदि आप 5000 रुपीज़ एंड 500 से ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ये आप सेलेक्ट करेंगे पैकेज नंबर 1। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सेलेक्ट पे मोड में आपका ई पिन रहेगा। अभी आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑप्शन आप दे रहा है यूनिक कोड और सीरियल नंबर करके। अभी दोस्तों ये यूनिक कोड और सीरियल नंबर डालेंगे तभी आपका ज्वाइनिंग होगा, तभी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये यूनिक कोड और सीरियल नंबर मिलेगा कहाँ से? दोस्तों ये मिलेगा आपको शॉपी से, हमारे DNRS के जो स्टोर्स हैं रजिस्टर स्टोर, वहाँ से आप कोई भी पैकेज 5500 या 4000 का परचेस करके ये दोनों तरह के कोड आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक आप वन टाइम परचेसिंग के लिए पैसा नहीं भेजेंगे तब तक आपका यूनिक कोड और सीरियल नंबर जनरेट नहीं होगा, देन परचेसिंग के बाद ही जनरेट होगा और शॉपी होल्डर या आपका जो भी अप्लाइन है वो आपको ये प्रोवाइड करा सकता है। तो अपने अप्लाइन से संपर्क कर सकते हैं या किसी भी DNRS के स्टोर पे जा करके ये परचेस कर सकते हैं। यहाँ अपना यूनिक कोड सीरियल नंबर एंटर करेंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको टाइटल में सेलेक्ट करना है आपका जो भी नेम है, देन आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, मिडिल नेम है तो एंटर करना है, लास्ट नेम अपना लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैं एग्जांपल से एक डुप्लीकेट डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करके लिखता हूँ, एक कंट्री कोड, देन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ध्यान रखें सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली भरनी है, क्योंकि उसके बाद से ये चेंज नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे एक पैन कार्ड नंबर का विकल्प दिया गया है, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप अप्लाइड फॉर पैन कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, इसको आप बाद में भी भर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपको अपना पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका XYZ जो भी आपका एड्रेस है वो एंटर कर देना है, कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, ये आपको लोड करके आपके स्टेट्स दिखाएगा। हाँ चलिए मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में आपको अदर सेलेक्ट करना है और यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, होशंगाबाद। अपना सिटी, जो भी आपका सिटी है, अगर इसमें इस लिस्ट में आपकी सिटी नहीं है तभी आप इसको अदर करेंगे, अदर
और यहाँ आपका सिटी का नाम लिख सकते हैं, सॉरी। इसके बाद पिन कोड आपका यहाँ पे एंटर करना है। देन नेक्स्ट सेक्शन है नॉमिनी का इंफॉर्मेशन। आपके नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, नॉमिनी का नाम आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेक्शन है बैंक इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको पे आउट लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर वगैरह एंटर करने होंगे, तो ध्यान से दोस्तों अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। इसको आप चाहो तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अगर कुछ गलत हो जाता है तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ डुप्लीकेट चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देता हूँ थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए। और यहाँ पे पेमेंट रिसीव मोड ध्यान रखना, इसको बैंक ट्रांसफ़र ज़रूर कर देना है, अन्यथा आपको अगर आप चेक पे रखें तो कंपनी चेक आपको इशू कर देगा, और चेक में आपको पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए बैंक ट्रांसफ़र आपको कर देना है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया है यूज़र इन्फॉर्मेशन का। इस पर आप क्लिक करें तो ये जो यूज़र रिलेशनशिप का नंबर का सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एंटर रहेगा आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपका मैचिंग मैचिंग होना चाहिए दोनों। मैं एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड क्रिएट किया। देन आई एग्री विथ कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी की जो फिजिकल फॉर्म है उसके बैक साइड में आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने को मिल सकते हैं। अभी आप ये अपलाइन से ये चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देना है, तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे आपको एक पॉपअप ओपन होगा यश और नो के लिए। आप यश करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज वहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, आप कंपनी में रजिस्टर्ड मेंबर सभासद बन चुके हैं। दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस था DNRS के अंदर ज्वाइनिंग लगाने का, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाने का। अभी दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमने किया लॉगिन के साथ, लेकिन बिना लॉगिन कैसे ये ज्वाइनिंग लगाएं। सबसे पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। हम वहीं पे जाएंगे जहाँ हमने वेबसाइट का होम पेज ओपन किया था। अभी हमने लॉगिन पे क्लिक किया था, लेकिन अभी हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ठीक वैसा का वैसा फॉर्म दोबारा से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना सा अंतर रहेगा कि आपको यहाँ ऊपर स्पॉन्सर आईडी डालने के लिए कहा जाएगा, जबकि लॉगिन वाले केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे ऑलरेडी एंटर थी क्योंकि आपने लॉगिन किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी एंटर कर देनी है। ये मेरी स्पॉन्सर आईडी आप देख पा रहे होंगे, ये मैं इसको एंटर करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा। देखिए ये इसने दिखा दिया है स्पॉन्सर नेम लक्ष्य नरबरिया जी। अभी आपका कंफर्म हो चुका है कि ये आपके स्पॉन्सर नेम है। देन आप अभी जो आपने प्रोसेस किया था, पैकेज सेलेक्ट किया था, उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नॉमिनी, बैंक डिटेल और यूज़र इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड वगैरह, देन कंटिन्यू। इस तरह से आपका ज्वाइनिंग कम्प्लीटली सक्सेसफुली क्रिएट जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस। अगली वीडियो हम देखेंगे DNRS वेबसाइट पे और भी जो ऑप्शंस हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।